मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्रा ने कहा है कि गोरखनाथ मंदिर के विश्व प्रसिद्ध खिचड़ी मेले में आने वाले श्रद्धालुओं की सुरक्षा सुविधा सहूलियत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की प्राथमिकता है। मकर संक्रांति पर लगने वाले एक माह के इस मेले में आने वाले श्रद्धालुओं के लिए प्रशासन पर्याप्त संख्या में रैन बसेरों व अलाव के इंतजाम सुनिश्चित करे ताकि ठंड के मौसम में किसी भी श्रद्धालु को कोई परेशानी न हो। इस दौरान पब्लिक एड्रेस सिस्टम से लोगों को कोरोना से सतर्क रहने के लिए भी जागरूक किया जाए। मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र बुधवार को पुलिस महानिदेशक डीएस चौहान के साथ गोरखनाथ मंदिर परिसर में लगने वाले विश्व प्रसिद्ध खिचड़ी मेले की तैयारियों का जायजा लेने गोरखपुर आए थे। गोरखनाथ मंदिर परिसर का निरीक्षण करने के बाद उन्होंने आयुक्त सभागार में अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। इस दौरान जिलाधिकारी व SSP ने मेले को लेकर की गई तैयारियों व सुरक्षा व्यवस्था की जानकारी दी। मुख्य सचिव ने कहा कि मेले की व्यवस्था को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए युवाओं की टोलियों व स्वयंसेवियों को भी जोड़कर उनकी मदद ली जाए। एक माह के इस मेले को रोजगार का भी अवसर बताते हुए उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री से वार्ता कर इसकी अवधि को और बढ़ाया जा सकता है। मुख्य सचिव ने कहा कि खिचड़ी मेला व गोरखपुर महोत्सव में स्थानीय उत्पाद कला संस्कृति को बढ़ावा देने में कोई कोर कसर न छोड़ी जाए। बैठक में सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा करते हुए DGP ने कहा कि फायर टेंडर की जाँच करने के साथ अभी से मार्क ड्रिल भी किया जाए। कोशिश हो कि ट्रैक्टर ट्राली से यात्री परिवहन न हो, इसके साथ ट्रैक्टर ट्राली पर रिफ्लेक्टर लगवाने का अभियान अभी से प्रारंभ कर दिया जाए। बैठक में प्रमुख सचिव नगर विकास अमृत अभिजात, ADG गोरखपुर जोन अखिल कुमार, मंडलायुक्त रवि कुमार NG, IG जे रविंद्र गौड़, जिलाधिकारी कृष्णा करुड़ेश, SSP डॉक्टर गौरव ग्रोवर, CDO संजय कुमार मीना, नगर आयुक्त अविनाश सिंह, GDA उपाध्यक्ष महेंद्र सिंह तंवर समेत कई अधिकारी मौजूद रहे। ठीक है, धन्यवाद।